ओए होए होए दोस्तों, ये रहा आज का मटन कढ़ाई। और देख रहे चम्मच कितना बड़ा है। दोस्तों यहाँ पर भी टाइम पर अलग अलग टाइम पे नमाज होती है, ताकि जो है किसी की नमाज छूट ना सके जुमे की। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जुमा मुबारक। तो दोस्तों आज फिर से एक बार जुमा का ब्लॉग। इतनी जल्दी दिन कटता है और कब जुमा आ जाता पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे भी 3-4 दिन पहले जुमा था। यहाँ पर जुमे का दिन ऐसा होता है जैसे हर जगह होता है, वैसे ही होता है। यानी कि बस यहाँ पर छुट्टी उट्टी ज़्यादातर जुमे को होती है, जैसे कि स्कूल की छुट्टी, सरकारी छुट्टी जुमे को ज़्यादा होती है यहाँ पर। अपने इंडिया में तो संडे को छुट्टी होती है, यहाँ पर जुमे को ज़्यादातर होती है। लेकिन हम लोगों की बात करें कोई छुट्टी नहीं होती, ड्राइवरी लाइफ में कोई छुट्टी नहीं होती। आपको कहीं जाना तो अपने कफिल से बता के चले जाओ, नहीं तो फिर आपको ड्यूटी पर रहना है। कब ड्यूटी आ जाए कोई पता नहीं ना। अच्छा, तो अभी नमाज का समय होने वाला है, अजान हुई है। जुमे के दिन वैसे भी मस्जिद में जल्दी जाना चाहिए, तो इस वजह से जल्दी जा रहा हूँ। मस्जिद चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं आज का दिन कैसा क्या जाएगा। प्लान तो यही है, नमाज बाद जाएंगे दोस्त के साथ, आज होटल पे खाना खाएंगे कई दिनों के बाद, क्योंकि बाहर का खाना मैंने बंद कर दिया था। इस वजह से आज जाएंगे होटल, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे बढ़िया। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग बनाऊँ ताकि आपके काम आ सके। अगर आपके कोई मन में सवाल है तो ज़रूर कमेंट करके अपने भाई से पूछ सकते हैं। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें और जो जो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो अभी काफ़ी टाइम है नमाज का, फिर भी जल्दी जाता हूँ। किसी दिन इंशाल्लाह जाएंगे मस्जिद हराम, वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। आज तो लेट हो गया है, अगले हफ्ते कोशिश करूँगा। ये लड्डू भाई की गाड़ी खड़ी है, अपने बुढ़े को लेके आते हैं ना यहाँ नमाज पढ़ाने के लिए। पूरे आधे घंटे के बाद दोस्तों मस्जिद से मैं बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि नमाज़ हो चुकी है। इस तरफ काफ़ी सन्नाटा हो चुका है, क्योंकि आज मैं लेट में निकला हूँ मस्जिद से। और ये रहा तुम्हारा भाई, अब चलते हैं गाड़ी उठाते हैं, खाना चलते हैं होटल पे, क्योंकि आज मैंने नाश्ता लाइट एकदम किया, भूख लग रही है अच्छी वाली। तेल भी ज़्यादा नहीं ना भाई, क्या बताएं भाई, ये क्या हो गया, तेल ख़त्म हो गया गाड़ी में, थोड़ा सा है बस दोस्तों, इतनी तो पहुँच जाएगी, आ जाएगी आराम से। एक आगे भी मस्जिद है, उसमें अभी जस्ट नमाज ख़त्म हुई है। जब कभी वाली मस्जिद में नमाज छूट जाती है ना, तो फिर यहीं आता हूँ। देख रहे जाम लगा है, जुमे की बात ही अलग है। नमाज पढ़ो, फिर नेकी काम करके जाओ, खाना पीना खाओ, अच्छा लगता है। और इस वजह से मैंने आज नाश्ता एकदम लाइट किया है, ताकि भूख लगे तो मैं अच्छे से खाना खाऊं, और जब भूख नहीं लगती तो फिर खाना खाने में मज़ा नहीं आता। हाँ दोस्तों सही बात है ना, बताओ जल्दी से बताओ। अभी नमाज हर जगह मस्जिद की नमाज ख़त्म हो रही है, तो इंसान आ जा रहा है, बहुत सोच समझ के चलना पड़ रहा है पैदल। इधर भी मस्जिद है, ये देखो इधर भी मस्जिद, सामने देखो। और इमरान सुनाओ, बड़ा सन्नाटे में बैठे हो, क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर में। क्या हो रहा है, बैठे हो कि सर में दर्द हो रही है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। दोस्तों गाड़ी यहीं पे लगाते हैं पार्किंग, और सामने होटल है, और बिस्मिल्लाह करते हैं। अरे बाप रे बाप, धक्का धक्का करते हैं और सामने चलते हैं। हालांकि भीड़ अभी होगी भाई इमरान। ओ भाई भीड़ तो यहीं से मुझे दिख रही है, चलो फिर भी अंदर चलते हैं, हैंड वॉश करते हैं दोस्तों, और टिश्यू पेपर से पोंछते हैं, बैठ जाते हैं, ऑर्डर देते हैं। ये आ गया सलाद, थोड़ी देर में आ जाता है हम लोगों का ये मटन कढ़ाई, हरी धनिया मिर्चा डाल के बढ़िया ताजी नान दोस्तों तोड़ते हैं यहीं पर, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह सबको अच्छी अच्छी नेमतें अता करे, और बिस्मिल्लाह करते दोस्तों। ये रहा आज का लंच, मटन कढ़ाई, और साथ में है ये बहुत बड़ा सा चम्मच, देख रहे कितना बड़ा सा चम्मच है, बिस्मिल्लाह करते हैं, चम्मच भी काफ़ी ज़बरदस्त, मज़ा आ गया दोस्तों। थोड़ी देर में हो जाता है हम लोगों का लंच फ्री ख़त्म, यानी कि अब यहाँ पे बहुत सारे डिश लगे हुए हैं दोस्तों। चलते हैं यहाँ से, काफ़ी ज़बरदस्त खाना था, मज़ा आ गया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों फाइनली रूम पर भी आ गया, तो आज बहुत दिनों के बाद दोपहर में सोया हूँ,
क्या वो खाना खा के गए रूम पे, थोड़ी देर बाद सो गए लेटे लेटे। तो जस्ट अभी उठाऊँ मगरिब की अदान के समय, मस्जिद जा रहे नमाज के लिए। हो सकता हो ये व्लॉग दोस्तों छोटा हो जाए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कहीं जाना हुआ नहीं आज, बस सोता रहा। शाम का समय है, मौसम ज़बरदस्त बना हुआ है, हवा चल रही अच्छी अच्छी। दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, जस्ट अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया हूँ। कहीं जाना होगा तो फिर मैं व्लॉग शूट करूँगा। ऐसे ही होता है दोस्तों, कभी काम कभी जाता है, ड्यूटी रहती है, कोई बात नहीं, मेरा काम है हमको करना पड़ेगा, फिर कहीं ड्यूटी आएगी तो निकलेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।